नमस्कार दोस्तों, आपके अपने वैदिक एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों का अगस्त 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक का समय कैसा रहेगा। इन 5 महीनों में आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों को क्या और कैसे रिजल्ट देखने को मिलेगा और आपके साथ क्या क्या घटना घटित हो सकती है। इन 5 महीनों में आपके साथ क्या क्या हो सकता है और इसके साथ हम ये भी बात करेंगे इन 5 महीनों में आपका लव रिलेशन, स्वास्थ्य और आपका करियर कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इसमें कही गई बातें आपको अच्छे से और स्पष्ट समझ में आ सकें। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे धनु राशि के मालिक बनते हैं देव गुरु। सूर्य देव आपके 8th हाउस में विराजमान हैं, वो भी 17 अगस्त तक। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट मत करिए। धनु राशि वाले जातक अपने घर में कोई शुभ कार्य ना कराएं, ये समय अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसे समय में आपका भाग्य बहुत ही कमज़ोर रहेगा। लेकिन 17 अगस्त के बाद सूर्य आपके 9th हाउस में आएंगे और 17 सितंबर तक यहीं स्थित रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो काम है तो बहुत ही अच्छा रहेगा और आपका काम, आपके पिता का काम बहुत ही अच्छे तरीके से चलेगा। आपका भाग्य भी अच्छा रहेगा। आप जो भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जो भी काम करना चाहते हैं, जहाँ भी नौकरी करना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। उसके बाद 17 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य देव आपके 10th हाउस में रहेंगे। तो यहाँ पर धनु राशि वाले व्यक्ति अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे और आपके दिमाग में सिर्फ पैसा चलेगा। कहीं ना कहीं पैसों की तलाश में आप बाहर निकलेंगे और कुछ ना कुछ काम करेंगे। 17 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सूर्य देव आपके 11th हाउस में नीच के रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका मन जो है शांत नहीं रहेगा, आपका मन इधर उधर की चीज़ों में ज़्यादा रहेगा। इसके बाद 17 नवंबर के बाद सूर्य देव आपके 12th हाउस में आएंगे। तब यहाँ पर किसी भी प्रकार का बड़ा निर्णय नहीं लेना है वरना आपको बहुत ही ज़्यादा घाटा होगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। बात की जाए मंगल ग्रह की तो 19 अगस्त को 10th हाउस में जाएंगे और 5th हाउस में दृष्टि डालेंगे। तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही शानदार रहेगा और ये कब तक समय रहेगा, ये पूरे नवंबर तक समय रहेगा। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार मौका रहेगा। आप जो भी अपनी पढ़ाई से जुड़े चीज़ों को करना चाहते हैं, कहीं भी एडमिशन फॉर्म फिल या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मकर राशि वाले जातकों का जो लव रिलेशन है तो आप बहुत ही सतर्क रहें अपने लव रिलेशन को लेकर, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा अग्रेशन, गुस्सा रहेगा। अचानक से गुस्सा आ जाना, चिल्लाना, हाइपर हो जाना, ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के अंदर देखे जाएंगे। बात की जाए गुरु चंडाल दोष के बारे में तो गुरु चंडाल दोष आपके 5th हाउस में बन रहे हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई से लेकर बहुत ही ज़्यादा इशू देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़्यादा समस्या आपको देखने को मिल सकते हैं और आपको अपने लव रिलेशन में भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। बात की जाए शनिदेव के बारे में तो शनिदेव 4 नवंबर को मार्गीय अवस्था में आएंगे। तो यहाँ पर जो धनुराशि वाले व्यक्ति हैं, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही थी वो सारी समस्या यहाँ पर दूर होंगी और आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत राहत देखने को मिलेगी क्योंकि शनिदेव, जो भी आपकी प्रॉब्लम थी तो शनिदेव आपके सारी समस्याओं का निवारण करेंगे और आपको थोड़ा सा आराम देंगे। तो दोस्तों, यदि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।